तो दोस्तों बहुत ही देर के बाद मेरी बाइक मुझे वापस मिल चुकी है। सबने टेस्ट राइड ले लिया मेरी बाइक की और अभी ये भी बंदा मोड़ के लाएगा यहीं पे ही। हम लोग गलती से ऊपर चढ़ गए थे गलती से मिस्टेक हो गई थी हम लोग ऊपर चढ़ गए थे तो अब जो है नीचे जा रहे हैं वापस। और एक चीज़ और बता दूँ गाइस, सॉरी, मैंने प्रॉमिस तो किया था कि मैं कभी भी ओवर स्पीड नहीं करूँगा, लेकिन वो कभी काल गलतियाँ हो जाती है। तो आज मैंने अपनी बाइक की टॉप स्पीड चेक करी है, मैंने 153 आज चलाई है और ये और तेज़ जा ही रही थी, लेकिन फिर रुकना पड़ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई थी उस टाइम पे। और दूसरी चीज़ गाइस, जो लोग कहते हैं कि ये हाई स्पीड पे बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं महसूस कराती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे वाइब्रेशन महसूस हो रही थी, मेरे हाथ पूरे मतलब झनझना रहे थे बहुत ही ज़्यादा। आज अपनी बाइक को मैंने बहुत खींचा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, और आज जाके पता चल गया मुझे कि भाई सच्ची में ये 150 cc की होकर 150 भाग सकती है बहुत ही ईजिली। लेकिन एक चीज़ और मुझे पता चली, वो मैं डिसएडवांटेज में इसकी गिनूंगा कि यार पीछे पिलियन बिठा करना ये बिल्कुल भी नहीं खींचती है, बहुत ही ज़्यादा धीरे हो जाती है पिलियन बिठाने के बाद। मेरे साथ पीछे जब समर बैठा हुआ था तो ये मुश्किल से 123, 124 जा रही थी। हाँ, एक बार 130 तक गई थी, उससे आगे नहीं बढ़ रही थी बिल्कुल भी। इसका जो सिक्स्थ गियर था ना, वो तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था गाइस, बिल्कुल भी। मतलब पांचवे गियर तक एकदम सही जा रही है, उसके बाद छठा गियर लगाते ही जो है ना वहीं पे स्पीड रुक जा रही है बिल्कुल ही, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा पाँचवें गियर में चलाऊँ या छठे गियर में। लेकिन जैसे ही मैंने बंदे को उतारा, दूसरी बाइक पर शिफ्ट किया, जब मैं अकेले अपनी बाइक को राइड कर रहा था, तब मैंने इसकी टॉप स्पीड टच की है 153 तक। तो दोस्तों मैंने इसको भगा लिया, उससे आगे मैं नहीं गया। बस फाइनली हम लोग जो है आगरा ताजमहल पहुंच चुके हैं, यहाँ से एंट्री है यहाँ की ताजमहल की, और हमने बाइक्स जो है पार्किंग में लगा दी है। एक्चुअली क्या है, अलग अलग करके लगाई है, एक ये रही जगह जो है वो घिरी हुई थी पहले से, ये एडी की, ये विशाल की, और बाकी यहाँ राहुल की गाड़ी और आगे लगाई हुई है। तो अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे, आई डोंट नो अंदर क्या होने वाला है, मैं पहली बार जा रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। 20 रुपये यहाँ की पार्किंग है बाइकों की, और हमने हेलमेट भी यहीं पे रखे हैं इनके ऑफिस में, 20-20 रुपये उसके भी लगे हैं। ऑफिस में ऑफिस है, सही में ऑफिस है भाई, बहुत तगड़ा वाला ऑफिस है। तो भाई लोग सीन ये है कि ये जो रास्ता सीधा जा रहा है ना, बस तो ये रास्ता 1 किलोमीटर है, जो कि दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप पैदल जा सकते हो और दूसरा इन वाली गाड़ियों में। तो हम लोग ऑलरेडी इतने दूर तक राइड करके आ रहे थे तो बैठे बैठे टांगे हो चुकी थी जाम, तो हमने सोचा कि यार पैदल चलना ज़्यादा बेटर है, और अगर आप लोग भी बाइक वगैरह से आओ राइड करते हुए तो पैदल ही चलो यार, थोड़े नज़ारे मजे लो यार, इधर मतलब बहुत कुछ है देखने को। हाँ, तो भाई ये वाला रोड आप जैसे ही कंप्लीट करोगे इसके बाद राइट ले लेना, और टिकट जो है आपको यहाँ से मिलेगी ये राइट में, ये देखो टॉयलेट का शौचालय का यहाँ पे बोर्ड लगा है, और यहाँ से अंदर जाने के बाद अंदर जाके आप लोगों को टिकट काउंटर मिलेगा। हम लोग पहले गलती से उस साइड चले गए थे, लेकिन वहाँ पे टिकट काउंटर नहीं है, वो एंट्री का है डायरेक्ट, जिन्होंने टिकट ले ली है उन्हें उधर आगे जाके एंट्री करवानी है अपनी, बाकी टिकट जो है आपको यहीं से मिलेगी। हमारा भाई लगा हुआ है अभी लाइन में, टिकट की लाइन में, और मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे ईच पर्सन 50 रुपीज़ है पर हेड एक टिकट का। मैंने अभी यहाँ पे पूछा था काउंटर पे, तो अभी मैं 6 टिकट लेने वाला हूँ, उसके बाद हम सारे के सारे अंदर जाएंगे। टिकट जो है मिल चुकी है, देखो टिकट इस टाइप की है, एक ये टोकन मिलता है यहाँ पे, और ये पर्चा है, वैसे तो ये 6 पर्चे हैं, 6 टिकट हैं, क्योंकि सबकी टिकट मेरे ही पास है, मैंने ही ली थी, और बाकी सबको एक एक टोकन दे दिया। उसके बाद आप लोगों को ये वाला रास्ता जो जा रहा है, जहाँ से आपने पहले राइट लिया था वहीं से स्ट्रेट जाना है। गाइस ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए हैं, और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे गर्मी जो है ना भाई बहुत ही ज़्यादा हो रही है। जब राइड कर रहे थे तो उस टाइम तो मौसम फिर भी ठीक ठाक सा था, बट अभी जो है गर्मी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आई डोंट नो अंदर जाके क्या होगा क्या नहीं, वहाँ पे भी यार धूप बहुत ज़्यादा ही होगी, है ना। तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं एंट्री गेट पे, यहाँ पे जो है आप अपना सामान रख सकते हो, जैसे कि बैग वगैरह अंदर अलाउ नहीं है, आप यहाँ से अंदर छोटे छोटे से बैग वगैरह ले जा सकते हो, बड़े बैग अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, एंड पानी की बोतल ले जा सकते हो, कैमराज अलाउ है अंदर। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अंदर आप कैमरा ले जा सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, GoPro हो या फिर कोई DSLR कुछ भी ले जा सकते हो, उसके एक्स्ट्रा पे आपको नहीं करने पड़ेंगे। बाकी हमारे पास एक बैग है वो जमा हो रहा है अभी, और यहाँ पे है प्रॉपर भीड़ और एंट्री गेट, यहाँ पे आगे टोकन दिखाना पड़ेगा हमें,
और उसके बाद हमारी एंट्री हो जाएगी अंदर ताजमहल में। भाई लोग अंदर आने से पहले एक दो बातों का ध्यान रखना। बात यह है कि आप अंदर जो है किसी भी तरीके का माइक लेके नहीं आ सकते, जो कॉलर माइक वगैरह होते हैं ऐसे कुछ भी नहीं लेके आ सकते अंदर। और कैमरा अलाउ है लेकिन उसके साथ कोई एक्सेसरी नहीं होनी चाहिए। आप सेल्फी स्टिक अंदर नहीं ला सकते हो, तो ये सब सेफ्टी पर्पस की वजह से है। और अगर कुछ लाते हो तो उसमें माउंट नहीं होना चाहिए, कोई बिल्कुल भी माउंट अगर यूज होगा तो सीधा बाहर जाओ। तो जो है ना यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही आप एंटर हो गए उसके 10-50 मीटर के बाद से ये देख सकते हो, बहुत ही प्यारा व्यू। इस तरीके के गुम्बद वगैरह आपको दिखना चालू हो जाएंगे और आगे चल के आई होप कि आगे भी ऐसी ही चीज़ें दिखें इंटरेस्टिंग सी। तो लेट्स सी आगे क्या क्या होता है, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे पता नहीं है। एंड सबने यहाँ पे जो है ना व्लॉग अपना कंटिन्यू करना चालू कर दिया। जो है अंदर जाने के दो तरह के टिकट होते हैं, एक तो 50 रुपीज़ होता है और दूसरा होता है 250 रुपीज़। तो 250 रुपीज़ वाला जो टिकट है उससे आप मकबरे तक जा सकते हैं अंदर। तो हम लोगों ने वो टिकट नहीं लिया। एक बार दोस्तों इस गेट को ध्यान से देखो यार, मतलब उस टाइम पे भी इतनी बढ़िया कारीगरी, जबकि इतना अच्छा रिसोर्स नहीं था, सिर्फ मैन पावर के बल पे, मतलब यार इतना बढ़िया गेट बनाना मानना पड़ेगा भाई। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्य द्वार, ठीक है, मुख्य द्वार लिखा हुआ है, यहाँ से एंटर होना है अंदर ताजमहल के लिए। ताजमहल जो है शाहजहां ने अपनी बेगम साहिबा की याद में, मुमताज की याद में बनवाया था। बना तो बहुत बढ़िया है वैसे, राम मंदिर से अच्छा नहीं बना है, लेकिन राम मंदिर की तरह बन सकता है। बस यहाँ पे फोटो वोटो क्लिक करवा लिया अपन लोगों ने और अभी आगे की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं आगे और क्या है। वैसे तो घूमने में मज़ा आ रहा है क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक हो गया, ठंडा सा हो गया। अभी जब स्टार्टिंग में हम लोग आए थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पसीने वगैरह आ रहे थे, बट अभी थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है। ये जो ताजमहल के दोनों साइड जो गुंबद है ना, दो आगे और दो पीछे की तरफ, ये जो है इनका आर्किटेक्चर थोड़ा सा टिल्ट है बाहर की तरफ, ताकि भूकंप वगैरह आए तो ये ताजमहल के ऊपर ना गिरे। तो ये उस टाइम का आर्किटेक्चर आप देख सकते हो कितना ही बेहतरीन है, मतलब उस टाइम पे भी लोगों ने इतना कुछ सोचा था इसे बनाने से पहले। रियली गाइस रियली बहुत अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा मस्त, मतलब ये संगमरमर के पत्थरों से बना है और ऐसा कोई भी अजूबा दोबारा ना बने, इसीलिए जो भी है मजदूरों के हाथ वगैरह काट देते, ऐसी स्टोरी है जो कि मैंने सुनी है। तो 7 अजूबों में से एक अजूबा इसे भी कहते हैं ताजमहल को। फाइनली आज मैंने ताजमहल भी घूम लिया और मज़ा, मतलब देखो मज़ा वही आना है जो आपको दिल्ली में क्या हुमायूं टॉम वगैरह में आता है, लेकिन ये सब चीज़ें थोड़ी सी नई हो जाती हैं। बट एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे आके मुझे लगा था थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। बस ये वाली बिल्डिंग अलग सी हो गई देखने के लिए, और बाकी लोधी गार्डन वगैरह में भी ऐसे ही बने होते हैं। बस यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है ये ताजमहल, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, डिज़ाइन वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और थोड़ा सा पीला पड़ गया है, वो कहते हैं इसलिए हैं क्योंकि एसिड वाली बारिश के वजह से जो है थोड़ा सा पीला पड़ गया, बाकी पहले जो है एकदम दूध की तरह सफ़ेद हुआ करता था एक टाइम पे जब ये बना था, हाँ, बट अब जो है धीरे धीरे पीला होता जाता है, इसका रंग जो है ढलता जा रहा है। सोचा था वो पता नहीं यार हो पाएगा या नहीं, सर्विस सेकंड सर्विस का ब्लॉग जो बनाना था मुझे, क्योंकि आज ही छुट्टी है यार, उसके बाद जो है मुझे फिर से जॉब पे जाना पड़ेगा, तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है यार आजकल। आई डोंट नो दोस्तों वीडियो के इस पार्ट की वॉइस कहाँ गायब हो गई, कोई फॉल्ट था या पता नहीं क्या जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं घर पे आके इस पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने इस वाले पार्ट में ये बताया था कि हम लोग फाइनली आ चुके हैं अपनी पार्किंग में अपनी बाइकों के पास, और पूरा ताजमहल अच्छे से कवर कर लिया, घूम लिया, फिर लिया, मज़ा बहुत ही ज़्यादा आया दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बस अब जो है थोड़ा थक चुके हैं, तो पहले जाके कुछ खाएंगे पियेंगे रेस्टोरेंट पर जाके, और उसके बाद सीधा दिल्ली निकलते हैं। आप लोग भी ज़रूर विज़िट करना दोस्तों, ताजमहल एक बहुत ही ग्रेट जगह है, मतलब घूमने फिरने के लिए बहुत ही ज़्यादा मस्त जगह है यार, और घूमने फिरने पे वैसे भी मज़ा आता ही है, और राइड पे भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अभी आधी राइड हमारी कवर करना बाकी रह गई है। गाइस बाइक की चेन हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा ढीली, पता नहीं क्यों, कल ही सर्विस पे आई है, फिर भी ये देखो, देख सकते हो
बहुत ही ज़्यादा ढीली हो चुकी है, इसकी वजह से पिछले टायर तक पावर डिलीवरी अच्छे से नहीं पहुँच रही है। तो अभी मैकेनिक की दुकान पर आ चुके हैं हम लोग और अभी फटाफट से इसकी चेन वगैरह टाइट करके और फिर निकलते हैं। ये भाई कर रहे हैं मेरी गाड़ी का चेन टाइट, हो रही है ना, चेन ऊपर आ रही है धीरे धीरे। यार आज ही आज में ये भी होना था, ये देखो भाई एक कील जो कि टायर के अंदर ही घुसी पड़ी है। अभी तो बाइक चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, हवा नहीं निकली है, लेकिन मैंने सोचा कि निकलवा ही लूँ क्योंकि लॉन्ग रूट पे यार कोई दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए इसे निकलवा के पंचर लगवा के उसके बाद ही निकलते हैं अब। सो ऑलराइट दोस्तों, पंचर जो है वो लग चुका है और टायर को अच्छे से चेक भी कर लिया है, कहीं और तो पंचर नहीं है, और अभी हवा जो निकल गई है उसे फिलअप करेंगे भैया और उसके बाद हम सीधा निकलते हैं यहाँ से। अब कहीं नहीं रुकना, बस थोड़ा खाना वाना खाएंगे क्योंकि रूट लंबा है यार, भूख लग चुकी है बहुत ज़्यादा। तो भाई टोल प्लाजा से आगे आकर ये देखो क्या मिल गया मुझे, डर भी लग रहा है यार थोड़ा थोड़ा, कुछ नहीं है, चलो रख दो, धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं यहाँ से टोल प्लाजा से, जो कि टोल पड़ता है यमुना एक्सप्रेसवे का आगरा से आधे टाइम पटना टोल। अब जो है गाड़ी में फ्यूल अप भी करवाना पड़ेगा, आधे टाइम हमने करवाया था, अब जाते टाइम भी करवाएंगे और उसके बाद सीधा अपने डेस्टिनेशन वापस। ऑलराइट दोस्तों, व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मैं घर पे आ चुका हूँ। एक बार मैं आप लोगों को दिखा दूँ आज हमारी बाइक कितनी ज़्यादा चल चुकी है। तो टोटल राइड थी 430 किलोमीटर आगरा जाना और आगरा से आने का, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया राइड पे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो तुम्हारे भाई का चैनल, और ऐसे ही थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बना के रखो। हमारे भाई को बहुत आगे जाना है भाई, बहुत आगे। चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।